आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आया हूँ एटा का मेडिकल कॉलेज घूमने। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि एटा के मेडिकल कॉलेज की शुरुआत कब से हुई है और इसके कंस्ट्रक्शन का काम कब तक खत्म होगा और ये इसकी पूरी तरह से शुरुआत कब होगी और ये कितने एरिया में फैला हुआ है, ये बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने को। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो थोड़ी पहले इसकी लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी लगभग एटा से लगभग दूरी है 4 किलोमीटर और आप जब एटा से बाहर निकलेंगे तो आपको दो रोड पड़ेंगे, एक तो पड़ता है एटा से कासिम जाने के लिए और दूसरा ये रास्ता है एटा से मारा जाने के लिए। और ये भी बाद में जाके कासिम हाईवे से मिल जाता है, एटा से आप मौनपुरा जाएंगे और मौनपुरा से कासिम हाईवे पर वो मार्ग मिल जाता है, ठीक है। तो उससे अभी ये 4 किलोमीटर दूर है मेडिकल कॉलेज। तो अभी मैं मेडिकल कॉलेज के फ्रंट जो गेट है उसके सामने बैठा हुआ हूँ और ये है कुछ इसका फ्रंट गेट। तो चलिए अंदर जाके पूछते हैं इसमें अभी अंदर घूमने की परमिशन है या नहीं और देखते हैं अंदर से किस तरह का ये बना हुआ है। तो ये है कुछ रोड, वाहन अभी थोड़े कम है, सुबह का वक्त हो रहा है और अभी तकरीबन 9 बज रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हो ये ऊपर नाम लिखा हुआ है इस हॉस्पिटल का। लेकिन अभी तो प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी हवा की वजह से जाने क्या हो गया, इसका जो पोस्टर है वो नीचे गिर गया है इसलिए हवा में उड़ रहा है, वरना इसका नाम पूरा कुछ लिखा हुआ है अभी अवंती भाई लोधी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है। और देखो इधर ये जगह है, यहाँ सिक्योरिटी के बैठने के लिए, यहाँ सिक्योरिटी बैठती है दोनों साइड और ये बीच में फ्रंट से गेट है अंदर जाने के लिए। तो चलिए फ्रंट में चलो देखते हैं, अंदर जाके पूछते हैं कि अभी है कि नहीं जाना है अलाउड। तो अभी हमने अंदर बात की हुई है तो लेकिन इन्होंने अभी मना कर दिया है कि आप अंदर जाए इसमें ज्यादा नहीं घूम सकते हो, तो आप चाहो तो बाहर ही बाहर से वीडियो शूट कर सकते हो। तो आपको हम बाहर से दिखा दे रहे हैं कि कौन सा क्या ब्लॉक है इसमें और किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है कुछ अंदर से इतनी बिल्डिंग बनी हुई है, देखिए ये है चारों तरफ से कुछ नजारा इसका। देखो यहाँ ये सिक्योरिटी बैठी हुई है। तो अभी हम आपको मेडिकल कॉलेज अंदर से दिखाने वाले थे लेकिन हमने अभी जब सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उन्होंने बिल्कुल घूमने से अंदर मना कर दिया है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको बाहर से ही बिल्डिंग दिखा देते हैं, अब क्या करें, प्रॉब्लम जो है सो है, थोड़ा हम लेट हो गए आने के लिए। पर वैसे तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वैसे मना नहीं करना चाहिए ना, पता नहीं आप मना कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मानना भी पड़ता है। तो इसके लिए अभी हमने आपको बाहर से दिखा रहे हैं, देखो कितनी ऊंची अभी बिल्डिंग बनी हुई है। तो पहले काम तो इसका मुझे लगता है 1-1.5 साल होगी, तकरीबन 1-1.5 साल से इस पर काम चल रहा है और अब देखो पेंट सारा हो चुका है, रेलिंग देखो रेलिंग भी लग चुकी है, शीशे वगैरह सारे सेट लग चुका है और कूलर वगैरह भी जो हमें हैं सारे दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में। और देखिए और पेंट तो सब ओके है और कुछ काम ऐसा है जो इसमें चालू भी कर दिया गया है। तो इस मेडिकल कॉलेज में कई ऐसे ब्लॉक हैं जो अभी स्टार्ट हो गए हैं, उनमें काम होना, मेडिसिन वगैरह भी आ चुकी हैं लेकिन अभी ये क्या है कि थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन काम चल रहता है। जैसे आप ये देख सकते हो कि बुलडोजर है तो बुलडोजर से अभी कुछ मिट्टी वगैरह इधर उधर उठाई जा रही है तो उसका काम यहाँ चल रहा है। और अभी थोड़ा हो सकता है आपको मेरी नॉइज की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो क्योंकि पास में भागवत हो रही है तो इस वजह से थोड़ा आवाज ज्यादा अच्छी नहीं आ रही होगी, लेकिन फिर भी आपको जितना अच्छा हो सके मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अभी जरा इसके पास से देखते हैं। देखिए अभी थोड़ी ये मिट्टी डली हुई है, यहाँ से ऊपर से चढ़ के देखते हैं कैसा क्या नजारा है, देखने और नहीं दिया। देखो ये है कुछ, देखो बुलडोजर से ये काम चल रहा है यहाँ ये पास में। और ये बिल्डिंग देखो यार कितनी ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ, यार सरकारी चीज है तो उस तरह से पैसे की कोई कमी नहीं है तो सरकार ने अपने उसी हिसाब से बनाया है। और इसमें कई सारी बिल्डिंग है, मतलब कह लो ये तो सामने ही है जो कि 8-10 तो सामने ही सामने दिख रही है और बाकी बात पीछे भी काफी एरिया में ये फैली हुई है। तो जिस तरह से इसमें इतनी ऊंची बिल्डिंग जो आपको अभी दिखाई दे रही है तो फ्रंट फ्रंट पे जैसा आप देख सकते हो 8-10 बिल्डिंग तो यही दिखाई दे रही है। और अभी अंदर तो हम गए नहीं है तो क्लियरली थोड़ा बता पाए, अगर जाने देते तो कुछ आइडिया लगता, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर अनुमान से कह सकता हूँ कि इसमें तकरीबन 20-25 बिल्डिंग होंगी जो कि इसी बारे में बनाई गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक अलग अलग चीजों के बारे में बनाई गई है, अब इतना तो मेडिसिन की नहीं कई सारी चीजें होती हैं तो उसकी बिल्डिंग इसमें बनी हुई है। और बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो और इस तरह से ये पूरे एरिया में फैला हुआ है। अब कंस्ट्रक्शन का काम पता नहीं कब कंप्लीट होगा, टाइम लगेगा, अभी तो इसमें चल रहा है, काम भी कुछ चालू हो चुके हैं तो देखते हैं। चलिए और आगे तो गाइस अब कुछ इस मेडिकल कॉलेज के मेन गेट की बात कर ले रहे हैं। तो इसका मेन गेट का जो हुई थी शुरुआत वो इसका शुभारंभ भी किया गया था तो वो उसके लिए खुद यूपी के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ जी खुद आए थे और उन्होंने इस गेट की शुरुआत की थी, शुभारंभ किया था अपने सुबह हाथों से। और आई थिंक पिछले साल की मेरे साथ कोई डेट थी और शायद अक्टूबर में कोई डेट थी जब तब इस गेट को खोला गया था और तभी से इस गेट में अब से लोगों को जाना अलाउड हो गया और
अब कई सारी चीजें इसमें अवेलेबल कराई गई, तो उस तरह से इसकी शुरुआत हुई है। तो हमारे एरिया के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि एटा में इस तरह का मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा बनाया जा रहा है और काफी एरिया में फैला हुआ है, जाने कई सारे एकड़ में फैला हुआ है। और खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद आए थे इस गेट की शुरुआत करने, इसके मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करने। तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे एरिया में अब जब से ये बना है मेडिकल कॉलेज, तो देख सकते हो आप इस रोड में काफी बदलाव हमें देखने को मिले। पहले क्या था, ये टूटा फाटा रोड था, तो अब इसको क्या है, कई दिनों में शुरुआत से एटा से तो इसको फोर लाइन करने की बात चल रही है और काफी हद तक हो गया है। तो वैसे तो मेरा मानना ये है कि माहिरा तक अगर ये फोर लाइन हो जाता है तो इस रोड से काफी तरक्की मिलेगी और इस मेडिकल कॉलेज से कुछ बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार भी मिलेंगे, बहुत फायदा होगा। क्योंकि जब से इस मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है तो कई सारे ऐसे लोग होंगे जहाँ के जो बेरोजगार हैं उन्हें इसमें काम करने का मौका मिला। ठीक है, मजदूर के वर्कर जो भी हैं, जितने भी लोग हैं वो आसपास के एरिया के यहाँ लिए होंगे। ठीक है, और इसके बाद ये मेडिकल कॉलेज जैसे बन जाता है तो उसके बाद ट्रेनिंग कराने के लिए और भी कई सारी चीजें, एक्टिविटी कराने के लिए, तो इसमें आप आसानी से ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास ही में पड़ जाएगा। अच्छा, और इसके सिवाय इस रोड की तो चांदी चांदी है, क्योंकि इसलिए मेडिकल कॉलेज बन गया, इसके बाद अब धीरे धीरे इस पे दुकानें भी बनने लगेंगी, उनकी दुकानें भी खूब चलने लगेंगी और इस रोड पे इसलिए प्लॉट भी अब जल्द से जल्द खरीदे जाने लगेंगे। तो बहुत कुछ फायदा है इस मेडिकल कॉलेज से। बाकी आप लोग बताइए आपको किस किस तरह का फायदा है अगर आप इस एरिया से। और देखिए, ये इस मेडिकल के पीछे का हिस्सा है और यहाँ से आप देख सकते हो इधर साइड ये गांव की रास्ता गई हुई है जाने को, और ये इधर साइड ये मेन रोड है और ये उधर वाले गेट था पहले सबसे वाला, उधर से हम इधर आ चुके हैं। इधर साइड साले दो गेट हैं और ये पीछे वाली थोड़ी रास्ता गई हुई है, और थोड़ा आप करीब से भी देख लीजिए। ये देखिए, ये कुछ इसकी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। अब थोड़ा देखो अंदर से भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए इस तरह के रूम्स बने हुए हैं, अभी तो सारे खाली पड़े हुए हैं। देखो ये यहाँ कहीं गांव में बागवत हो रही है, इसी वजह से आपको क्लियर शायद हो सकता है साउंड सुनाई दे रहा हो। तो यही कुछ है पूरा मेडिकल कॉलेज। ये था कुछ इस वीडियो में हमने आपको दिखाया एटा का मेडिकल कॉलेज किस तरह का है, और जितनी भी कोशिश करनी थी मैंने आपको करके दिखा दी, क्योंकि अंदर तो नहीं दिखा पाया जो बात है, बाहर जो बात को बता दी मैंने क्या रीजन थे। और जैसा कि देख सकते हैं बागवत भी हो रही है साइड में गांव में। और इधर एक और चीज है खास देखने के लिए मेडिकल कॉलेज के पास, वो ये है कि यहाँ के जस्ट पास में ही आपको एक स्विमिंग पूल भी मिलेगा जिसमें आप नहा सकते हो, और मेरे हिसाब से शायद ये एटा का इकलौता स्विमिंग पूल होगा। तो यही काफी लोग अभी आते हैं, अभी टिकटिंग वगैरह का तो कुछ ऐसा ही है 50 या 100 रुपये में शायद मेरे हिसाब से नहा सकते हो एक बंदा हुई, तो ये उस तरह का कुछ है। और देख सकते हो जैसा कि ये रोड है मेन, और मेन रोड से थोड़ी बस ज़्यादा दूरी पर नहीं है, थोड़ी सी दूरी पर है। तो ये था कुछ हमारा एटा का मेडिकल कॉलेज। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको इस तरह की वीडियो चैनल पर मिलते रहे। तो बाय।